नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ महक शर्मा। खबर है करनाल की, जहां डीसी विनय प्रताप सिंह ने बुधवार को लघु सचिवालय के सभागार में राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान जिला स्तर पर मनाए जाने वाले पोषण माह के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डीसी ने कहा कि हर नागरिक के स्वास्थ्य की देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है। कुपोषण से कोई नवजात बच्चा, गर्भवती महिला व किशोरी ग्रस्त ना हो, इसकी जांच करके उसका उपचार करना और स्वास्थ्य और स्वच्छ रहने के लिए जागरूक करना, रोगग्रस्त को उपचार के लिए प्रेरित करना जैसी जानकारी राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान दी जाए तो इसके बेहतर परिणाम होंगे। परिणाम धरातल पर हों तो बेहतर रहेगा, कागजों पर परिणामों की कोई मायने नहीं है। इसीलिए इस माह के दौरान शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग अपनी जिम्मेदारी को निभाएं और हर दिन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करें। उन्होंने कहा कि इस माह के लिए शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग व महिला एवं बाल विकास विभाग अपने कार्यक्रम बनाएं और इन दिनों में समाज सेवी संस्थाओं, पंचायती राज प्रतिनिधियों से मिलकर इस माह में जरूरतमंदों के बीच में जाएं और उन्हें कुपोषण से बचने के उपायों की जानकारी दें। डायरिया से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग समय पर ORS का घोल का वितरण करें और ग्रामीण स्तर पर भी ORS बनाने के तरीकों की जानकारी इस अभियान के दौरान दें और ग्रामीण स्तर पर भी ORS बनाने के तरीकों की जानकारी इस अभियान के दौरान दें। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कहा कि स्कूलों में भ्रमण करके लड़कियों के हीमोग्लोबिन की जांच करें और जिनमें कम है उन्हें उचित दवाई दें और अन्य बीमारियों के लिए उनका सही से मार्गदर्शन करें। आज करनाल जिले में पोषण माह की शुरुआत हमने की है, जिसमें सभी विभागों के अधिकारियों की मीटिंग ली गई। पोषण माह हमारा कुछ मुख्य बिंदुओं को लेकर कार्य करेगा, जिसमें बच्चों के पहले 1000 दिन, चाहे वो बर्थ से पहले के हों और उसमें बाद के भी ड्यूरेशन को मिलाकर, एनीमिया, डायरिया, बच्चों का हेल्थ से संबंधित जो पौष्टिक आहार है उसके बारे में भी इसमें फोकस किया गया है, और साथ में हैंड वॉश एंड सैनिटेशन, ये पांचवा कार्यक्रम है जो इस पोषण माह के माध्यम से सभी शैक्षणिक संस्थानों में, आंगनवाड़ी सेंटर्स में किया जाएगा। इसमें सभी नगर पालिका, नगर निगम ये भी शामिल रहेंगे और ग्राम पंचायतों को भी इसमें शामिल करने की हिदायत दी गई है। इसका मुख्य उद्देश्य जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं उनके पोषण को लेकर है और जो हमारे नवजात शिशु हैं उनके पोषण को लेकर भी इसमें कई तरह की गतिविधियां की जाएंगी। एक मास अवेयरनेस कैंपेन है विभिन्न विभागों के द्वारा, जो आज मीटिंग में शामिल हुए उनके द्वारा चलाया जाएगा। इसके साथ साथ जिला करनाल ने एक अलग से एक पहल की है कि जितने भी हमारे उच्चतर शिक्षा और स्कूली शिक्षा में सीवियर एनीमिक छात्र पाए जाते हैं उनका HB टेस्ट सभी का किया जाएगा, जो अपने आप में एक नया प्रयास है, और सभी का हीमोग्लोबिन टेस्ट करने के बाद में उनका जो आगे जो एनीमिया कंट्रोल करने के लिए उस तरह के सरकारी अस्पतालों में उनको रिफर। कब से कब तक चलेगा ये? एक महीने का कार्यक्रम है जो 30 सितंबर तक होगी। देखिए, इस तरह के जो आंकड़े आते रहते हैं हमारे पास विभिन्न सर्वों से, उसी को ध्यान में रखते हुए इस पोषण माह को चलाया जा रहा है, जिसमें एडोलेसेंट जो बच्चियां हैं हमारी उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए भी इस कार्यक्रम को चलाएंगे। उनका हीमोग्लोबिन ठीक रहे, एनीमिक ना रहे, उसको ध्यान में रखते हुए भी एक बार स्क्रीनिंग की जाएगी सभी कॉलेजेस में, चाहे वो सरकारी हों गैर सरकारी हों, और उसके बाद में जो सीवियर एनीमिक हैं उनके हीमोग्लोबिन टेस्ट करने के बाद में उनका एनीमिया ट्रीट किया। सर, रामस्वरूप JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।